का नाम भूल गया, उसमें एक शुरुआत होती है, उजाले का नाश हो, अंधेरे का बास हो, राज हो, सम्राट किल्विस की जय हो। वो इस तरह था कि जो आज की न्याय व्यवस्था है, चाहे वो कितने भी डायनेमिक बनने की और दिखाने की कोशिश करते हैं न्याय, बट बेसिकली डार्कनेस बढ़ा रहे हैं। लोगों में ये भरोसा ही उठ रहा है कि न्याय होता है और न्यायाधीश न्याय करने में सक्षम है, और दूसरी तरफ न्यायाधीश बोलते हैं कि हमारी प्रभु सत्ता और हमारी स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए। कई केसेस के लिए इनको 30 साल में समय नहीं मिलता है और कई केसेस 30 दिन के अंदर निपटारा भी हो जाता है। तो एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है भारतीय न्याय व्यवस्था और इवन अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए लगता ही नहीं है कि बनी। वो ऐसा प्रोजेक्शन दिखाती है कि उनके लिए समाज बना हुआ है कि वो ताश खेलें, पासे फेंकें और उनके लिए गोटियां हैं समाज। जैसे कि मछली स्वतंत्र नहीं है, वो मछुआरे के लिए पैदा की, ऐसे लिए न्यायाधीश के लिए समाज पैदा किया गया है, ऐसा उनका एटीट्यूड। तो अगर समाज के लिए न्याय व्यवस्था है तो पूरे के पूरे आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत। इससे संतुष्ट होना जो आज है इसका प्रश्न नहीं है, और असंतुष्ट होने का कोई हक नहीं, क्योंकि हमको ही कर, हम दूसरों से मांगे कि नहीं नहीं आप करो, तो वो तो अपने फायदे के लिए करेंगे। कि अगर अंग्रेजी न्याय व्यवस्था लाएंगे तो चाहेंगे कि वाइट आदमी ना पकड़े जाए, न्याय होते हुए दिखे, न्याय हो ना हो, देर भी हो अंधेर भी हो, इससे क्या अंतर पड़ता है, हमारा राज चलते रहे। और जब आप वही कॉपी करते हो तो माइंड सेट तो बदला नहीं है, हो सकता है सफ़ेद गोरे की जगह काले गोरे, ये परिवर्तन आ जाए। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जितने भी कॉमनवेल्थ के देश हैं, उसमें एक प्राथमिकता के तौर पर न्याय व्यवस्था का आमूलचूल परिवर्तन जरूरी।